नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के मंडे के एपिसोड में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अनिरुद्ध बोंदिता को काढ़ा पीने को कहेगा। बोंदिता काढ़ा पीने से इनकार करती रहेगी तो अनिरुद्ध कहेगा कि ऐसे तो तुम रसगुल्ला आराम से खा लेती हो, लेकिन ये काढ़ा जिसे मैंने कितनी मेहनत से बनाया है ताकि तुम्हारी समस्या दूर हो जाए, तुम इसे पीने को तैयार ही नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मैं डॉक्टर के पास ले गया, हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी ये आदत छूट जाए, लेकिन तुम हो कि मेरा साथ दे ही नहीं रही। हर वक्त एक ही जिद करती रहती हो कि माँ के पास जाना है। बोंदिता ये सब सुनती रहती है और नाक बंद करके पूरा काढ़ा पी जाती है। अनिरुद्ध देखता है कि बोंदिता ने काढ़ा पी लिया। बोंदिता कहती है, ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ अपनी माँ को प्यार करती हूँ। बोंदिता कहती है कि आप सब मेरे अपने हैं, ये घर मेरा भी तो है, मुझे काका ससुर की, आपकी, बड़े ससुर की, सबकी बहुत फिक्र है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, आपने तो मेरी वजह से अपना हाथ भी काट लिया। इतना कहते हुए बोंदिता को उल्टी आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अनिरुद्ध सोचता है कि लगता है काढ़ा भी फेल हो गया, पता नहीं 2 दिन के अंदर मैं बोंदिता की ये आदत छुड़ा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। अगले दिन सुबह त्रिलोचन काका बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पोयला बोयशाक का दिन है। पूरे परिवार के लिए उन्होंने नए कपड़े बनवाए हैं। वो अपने भाई से कहते हैं कि आज शुभ नव वर्ष है और मैंने आज पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। बिहारी कहता है, लेकिन बिनॉय बाबू धोती कुर्ता कैसे पहन पाएंगे, पूरे घर के पंखे बंद करने पड़ेंगे वरना उनकी धोती उड़ जाएगी। त्रिलोचन कहते हैं, फिकर मत करो, इनके लिए मैंने विदेशी पैंट शर्ट मंगवाया है। वो कहते हैं कि घर का सबसे बड़ा लड़का अनिरुद्ध का है, उसे भी तो मुझसे आशीर्वाद लेना होगा। तभी अनिरुद्ध बाल्टी और कपड़ा लेके वहाँ से निकलता रहता है। बोंदिता आ जाती है और वो अनिरुद्ध का रास्ता रोकती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप रोज़ रोज़ मेरे गीले कपड़े और बिस्तर क्यों साफ करते हैं, इससे मुझे शर्म आती है। बोंदिता कहती है कि आप मेरे पति हैं और आप मेरी गंदगी साफ करें, इससे मुझे पाप चढ़ेगा, लाइए ये बाल्टी और ये कपड़ा मुझे दीजिए और आज से मैं अपनी गंदगी खुद ही साफ करूंगी, आखिर गलती मैंने करी है तो सफाई भी मुझे ही करनी चाहिए। अनिरुद्ध मना कर देता है। बोंदिता से कहता है, नहीं बोंदिता, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरा करने दो। बोंदिता फिर कहती है कि मुझे बाल्टी दे दीजिए, मैं खुद ही सफाई करूंगी, लेकिन अनिरुद्ध बोंदिता को डांट देता है और कहता है कि जाओ जाके योगासन करने की तैयारी करो। बोंदिता अपने हाथ में माँ की दी हुई छोटी सी मूर्ति लेके कहती है, हे दुर्गा माँ, कुछ तो ऐसा करो कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए। पति बापू को मेरी वजह से क्या कुछ करना पड़ रहा है, उन्हें मेरी गंदगी साफ करनी पड़ती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई तो ऐसा फरिश्ता लाओ जो मेरी ये समस्या दूर कर दे। अनिरुद्ध आ जाता है, वो बोंदिता की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध कहता है कि दुर्गा माँ उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। वो बोंदिता से कहता है कि जाओ और योगासन की तैयारी करो, मैंने जो तुम्हें योग सिखाए थे, जाओ और उन योग को जाके करो। बोंदिता कहती है कि मेरी माँ कहती है कि अगर हम सच्चे मन से दुर्गा माँ से कुछ मांगे तो उसकी इच्छा दुर्गा माँ जरूर पूरी करती है, और मैं सच्चे मन से दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी ये समस्या दूर कर दे। दुर्गा माँ बोंदिता की फरियाद सुन लेती है और बोंदिता की माँ बोंदिता के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। अनिरुद्ध की नज़र बोंदिता की माँ पे पड़ जाती है, वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि माँ तो कभी यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ यहाँ आ। अनिरुद्ध दौड़ के बोंदिता की माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ आप बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए ना, ये आपका ही तो घर है। बोंदिता की माँ बोलती है, मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं तो सिर्फ ये रुपये लेकर आई हूँ, इस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई और उससे जो आमदनी हुई है
मैं वही लेकर आई हूँ। अनिरुद्ध कहता है कि मैं ये पैसे आपसे लूंगा, लेकिन पहले आप अंदर आइए, ये आपकी बेटी का घर है और आपको अंदर आना ही पड़ेगा। मुद्रिता की माँ मना करती है, लेकिन अनिरुद्ध जिद करके उनको अंदर ले आता है। तभी काका बाबू आ जाते हैं। अनिरुद्ध उनको पंडिता की माँ से मिलवाता है। काका बाबू बोलते हैं, अच्छा तो यही वो है जिन्होंने अपनी मुसीबत तुम्हारे मत्थे मर दी है। अनिरुद्ध काका बाबू से कहता है, आप इनका अपमान मत करिए, ये बूंदिता की माँ है, ये हमारे मेहमान है और हमारे घर में मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता। और फिर बूंदिता तो हमारी अपनी है, ये हमारी अपनी है और आप इनका अपमान मत करिए। अनिरुद्ध बूंदिता की माँ को बूंदिता के कमरे में ले जाता है और कहता है कि आप पीछे छुप जाइए, हम दोनों बूंदिता को हैरान कर देंगे। आपको अचानक देख के बूंदिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बूंदिता की माँ दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अनिरुद्ध बूंदिता से कहता है कि मैंने जो तुम्हें योगासन करने को कहा था तुमने किया। बूंदिता कहती है, मैंने सारे योगासन कर लिए। अनिरुद्ध कहता है, एक बार फिर से सांस अंदर लेने छोड़ने के योगासन मेरे सामने करो। बूंदिता कहती है, फिर से। अनिरुद्ध कहता है, हाँ तुम्हें फिर से करना पड़ेगा और इस बार आँख बंद करके करो। बूंदिता आँख बंद करके योगासन करती है। पीछे से माँ आती है और बूंदिता की साड़ी और कपड़े को समेट के रख देती है। बूंदिता जब आँखें खोलती है तो उसे किसी के आने का एहसास होता है। बूंदिता अनिरुद्ध से पूछती है कि कोई यहाँ आया था। अनिरुद्ध कहता है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आया था। बूंदिता कहती है, नहीं कोई तो आया था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अनिरुद्ध कहता है, मैं ही तो हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। बूंदिता देखती है तो उसके कपड़े सारे समेट के रखे गए रहते हैं। बूंदिता कहती है, माँ क्या माँ यहाँ आई थी? माँ के आने के एहसास से बूंदिता की बांछें खिल जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर संपूर्णा के घर में उसके माँ बाप जाते हैं और उसके ससुराल के लिए फल और मिठाई लाए रहते हैं और उन्हें शुभ नववर्षों की बधाई देते हैं। संपूर्णा के ससुर बोलते हैं, इस सब से क्या फ़ायदा, ये मिठाई फल हमें नहीं चाहिए, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। वो 5 बकरी कहाँ है जो आपने शादी के समय देने के लिए कही थी? वो संपूर्णा से कहते हैं, जाओ और अपना सामान बांधो और तुम्हें अपने माँ बाप के साथ वापस जाना पड़ेगा। जब तक 5 बकरी नहीं आएगी तब तक तुम अपने मायके में ही रहोगी। संपूर्णा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती और रोती हुई अंदर चली जाती है। संपूर्णा की विराज सास कहती है, घबराओ मत, तुम सौरभ को सब कुछ बता देना, उसे बता देना कि आज क्या हुआ और मैं जानती हूँ कि सौरभ तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें किसी भी हालत में मायके नहीं जाने देगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। बैरिस्टर बाबू की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।